सर, आज आप यहाँ पर जो देख रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, आपका मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है जो रोड बंद है? देखिए, किसान आंदोलन के पीछे चलते पहले भी करीबन सवा साल पूरे सोनीपत जिले का और पूरा झज्जर जिला, खास तौर पर कुंडली और बहादुरगढ़ के व्यापारी पूरी तरह जो है ना बहुत पीछे चले गए, लगभग 10 साल पीछे चले गए और वहाँ का व्यापार बिल्कुल चौपट होने के कगार पे आ गया था। और अब की बार भी वही है। एक तरफ से तो सरकार कह रही है हम शंभू बॉर्डर से किसानों को आगे नहीं आने देंगे। जब आप उनको आगे नहीं आने दोगे तो यहाँ आपने किस लिए रास्ते रोक दिए? यहाँ भी कुंडली बॉर्डर पे भी और इसके अलावा जो है ना वहाँ बहादुरगढ़ भी टिकरी बॉर्डर पर भी रास्ते बिल्कुल रोक दिए गए हैं। जीटी रोड बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इससे कच्चे माल की ढुलाई या बढ़ने के बाद जो माल है वो दिल्ली जो आवागमन होता था वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा दोनों जगह ज़्यादातर व्यापारी जो है ना दिल्ली के रहने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो रास्ता बंद होने की वजह से वो भी नहीं आ पा रहे हैं। आपका जो यहाँ पर आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप सोनीपत जिले के अंदर जो प्रभाव है दुकानदारों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है? दुकानदारों के ऊपर भी इसका पूरी तरह से प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जहाँ तक 10 दिन हो गए हैं, अब लोगों के पास जो रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है, जो दिल्ली से माल आते थे वो आने बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो है ना, जो यहाँ से दुकानदार जो रोजाना जाके अपनी रोजी रोटी के लिए सामान लाकर बेचते थे वो भी बंद हो गया है। और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सभी जो है ना बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत मोटा नुकसान जिनको हो चुका है। हम सरकार से विनती करते हैं कि जब तक जो है ना आपका शंभू बॉर्डर से किसानों से वार्ता जारी है, जब तक तो इनको रास्तों को एक साइड का तो कम से कम खुलवा दिया जाए। अच्छा, ये यहाँ पर आपके इस क्षेत्र में लगभग कितनी दुकानें होंगी, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? देखिए, लगभग कुंडली इंडस्ट्री एरिया में ही इट्सेल्फ जो है ना 3-4 हज़ार फैक्ट्री है, फिर राई में फैक्ट्री